आगरा में ताजमहल परिसर में बने 22 कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की गई थी। बता दें, इस याचिका के दायर होने के बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस खुशी को हिंदूवादी संगठन के लोग अलग अलग तरीके से जाहिर कर रहे हैं। सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी खुशी जताने के लिए मिष्ठान वितरण करने के लिए ताजमहल पहुंचे। जैसे ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पश्चिमी गेट बैरियर पर पहुंचे, वहीं पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और आपको बता दें, हिंदूवादी संगठन के सभी कार्यकर्ता भगवाधारी गमछा डाले हुए थे। पुलिस ने उन्हें देखा और मांजरा समझने में देर नहीं लगी। जैसे ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पश्चिमी गेट बैरियर से अंदर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से बूंदी के लड्डू निकले। पुलिस ने उन्हें बैरियर के अंदर घुसने नहीं दिया। बता दें, तलाशी लेने में बूंदी के लड्डू निकलने पर पुलिस ने हिंदूवादियों को बैरियर पर ही रोक दिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों में रोष फैल गया। उन्होंने वहीं पर नारेबाजी करना शुरू कर दिया और अपना आक्रोश भी व्यक्त किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरियर के अंदर घुसने भी नहीं दिया, जिससे अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने बैरियर पर ही मिष्ठान वितरण करना शुरू कर दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता संजय जाट ने बताया कि ताजमहल के अंदर उर्ष हो सकता है, बिरयानी जा सकती है, लेकिन भगवान गणेश का लड्डू नहीं जा सकता है। यह कैसा न्याय है? आज महासभा के कार्यकर्ता इस याचिका के दायर होने पर खुशी जाहिर करने के लिए ताजमहल आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पश्चिमी गेट के बैरियर पर ही रोक लिया और बैरियर के अंदर प्रवेश भी नहीं दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय यानी शिव मंदिर है। इसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार आवाज उठाता चला आ रहा है। अब जब ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के लिए जो याचिका दायर हुई है, उससे जल्द साफ हो जाएगा कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। यह याचिका ताजमहल के ओर से पहले भी स्थायी इतिहास को सभी के सामने लाएगी। लेकिन जिस प्रकार की याचिका दायर की गई है और याचिका को सुनवाई के लिए डाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग तेजो महाले मानते हैं, जिस प्रकार हमारे प्रांत की अध्यक्ष मीना दिवाकर कई बार तेजो महाले में आरती कर चुकी है, तो हिंदूवादी संगठन लगातार तेजो महाले की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर याचिका दायर करके कम से कम एक उम्मीद आशा दिखाई दी गई है हमें। उसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि जहाँ एक मौलाना ये कहता है वाराणसी में ज्ञान रूपी मस्जिद में कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे और वीडियोग्राफी नहीं कराएंगे, वहीं अगर मिष्ठान वितरण कोर्ट के सम्मान में अगर मिठाई बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको रोका जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है, लड्डू बांटने परमिशन, तो ये ठीक नहीं है। और जबकि हम लोग लगातार लड़ाई योगी बाबा कह चुके हैं कि इस पर आप खुले मंच पे बहस कर रहे हैं, पुलिस ने पहुंचने नहीं दिया, रोक दिया। हाँ, पुलिस ने रोक लिया, पुलिस अगर आई कार्ड दिखाई है लड्डू मत ले आओ और ये मतलब एक बात तो मेरी समझ नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूँ इंस्पेक्टर महोदय से, यहाँ पर बिरयानी बन सकती है तेजो महाले के अंदर उसमें, तो एक पवित्र जो लड्डू गणेश जी का रहता है, ये लड्डू है, इस लड्डू पर रोक लगाना कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता साफ पता चलती है कि अगर तेजो महाले के अंदर बिरयानी बना सकते हैं और उर्स करा सकते हैं, लेकिन हम दो लड्डू अगर बांटने के चाहते हैं प्रशासन लोग। अब क्या करेंगे? अब लोग हम लोगों ने मिष्ठान वितरण किया है, हम तेजो महाले के दर्शन करने जा रहे हैं।